સમાચારમાં આગળ વધી અંકલેશ્વરમાં અહેમદ પટેલની આજે પ્રાર્થના સભા યોજાઈ હતી। પ્રાર્થના સભામાં કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા તથા અન્ય ધારાસભ્ય અને નાગરિકો હાજર રહ્યા હતા। અહેમદ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ તથા પુત્રી મુમતાઝે લોકો સાથે મુલાકાત કરી। બંને લોકોએ સાંત્વના પાઠવનાર લોકોનો આભાર માન્યો અને અહેમદ પટેલની સેવાકીય કામગીરીને આગળ વધારવાની ખાતરી આપી હતી। અત્યારે કોઈ રાજકીય નિર્ણય લેવાના નથી। मैं बहुत आभारी हूं इतने तीन चार दिन से, जब मेरे पापा का अहमद पटेल जी का इंतकाल हो गया, बहुत सैकड़ों लोग आए और उन्होंने मुझे बोला कि फैजल जिनका जो पापा का जो काम इतने सालों से उन्होंने किया है वो कौन लेगा आगे। तो हम तो पापा के शूज़ में नहीं बैठ आ सकते हैं। उन्होंने जो जितना काम किया है वो हमारे लिए तो मुश्किल होगा करने के लिए, लेकिन लोगों से बात करने के बाद मुझे बस एक चीज़ समझ आए कि उनकी लेगेसी जो हमें ले जानी है आगे एमपी और एमएलए बन के नहीं होगी। उनका लेगेसी है लोग समाज का काम करना और गरीब आदमी का काम करना, और यही मेरी और मेरी बहन मुमताज़ हम दोनों यही आगे करना चाहेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सब लोगों का कि उन्होंने पापा की श्रद्धांजलि में इतना सपोर्ट दिया, और मुझे आशा है कि हम लोग पापा का काम और भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्ते। मेरा पूज्य पिताजी माते अपार प्यार में 5 दिवस थी जोयू छे। मैंने मेरे पिताजी को खोया है, पर हमें अब समझ आ रहा है कि सिर्फ मैंने ही नहीं पर कितने लोगों ने एक भाई, एक परिवार का मुखिया, एक पिता समान शख्सियत खोया है। लोग आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं और हमें उन्हें संभालना पड़ रहा है। इतना प्रेम, इतना प्यार देखकर दिल भर आया है। फैसल और मैं समझे हैं कि पापा को जिस तरह शायद दिल्ली में देखते थे एक बड़े शख्सियत की तरह, वो मेरे पापा की पहचान नहीं है। यहाँ पे पापा ने इतने लोगों का दिल छुआ है, जितने लोगों के लिए काम किया है। अभी कोविड के वक्त भी आज मुझे कुछ लोग बता रहे थे, एम्बुलेंस सेवा, हॉस्पिटल में बैठे बैठे पापा ने कितने लोगों का इलाज खुद बीमार होते हुए कराया है। ये जो उनकी भावना थी और ये जो उनका मकसद था कि वो लोगों की मदद कर सके, वो गरीबों की तरफ अपना हाथ, गरीबों के सर पर अपना हाथ रख सके, ये काम हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में आए, आप और आपके भाई, आप पापा का लेगेसी को आगे लेकर बढ़े, पर इस वक्त हम ये कहना चाहते हैं, पापा की खुद की फैमिली फाउंडेशन रही है हेल्थ एजुकेशन में। पापा बहुत सारी जगह पे और सोशल वर्क कर रहे थे, उनका जो गांव था वांद्री, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उन सब जगहों पे हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वहीं हम अपना काम करना चाहेंगे और पापा का नाम आगे लेकर जाना चाहेंगे। हम चाहते हैं पापा